जो त्रिकोणमिति है, जो एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक्स पर बेस्ड है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, इसलिए प्रश्न की चर्चा करेंगे आज। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या एक क्या होता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में, तो ये 9.11, तो ये है 9.11 जो आपका बुक में दिया हुआ है। तो ध्यान रहे कि ये एसी क्या है, इसका डोरी है जो जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है, जो बुक में बोलता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 20 मीटर से दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ कौन सी दे दिया है आपका 30 डिग्री का कौन, यहाँ 30 डिग्री का कौन दिया है, और खंभे की ऊंचाई हमको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, हल में ये चित्र को ही हल में रखिएगा, यहीं से हल को रखिएगा, क्योंकि चित्र तो बनाना ही बनाना है। इसलिए क्या रखेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, डोरी की लंबाई बराबर क्या है, डोरी की लंबाई एसी बराबर क्या 20 मीटर, कोण एसीबी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हमको क्या क्या करना है, खंभे की ऊंचाई बराबर एबी बराबर क्या 1, यही हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में क्या देख रहे हैं कि ये जो 30 डिग्री का है, तो आपको पता है, थोड़ा सा जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा, आपको पता ही होगा, आप पढ़ चुके होंगे। तो ए बी सी में ये होता है पी, ये होता है एच, ये होता है बी, ए क्या होता है परपेंडिकुलर, ये एच, ये बी मतलब बेस, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, लंब आधार कर्व। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसके परिपेक्ष में, इस परिपेक्ष में, इस कोण के परिपेक्ष में हम देखते हैं, तो ये वाला क्या हो गया लंब, मतलब ये क्या बदलेगा पी, और ये एच तो नहीं बदलता है, ये हो गया आपका बेस, तो ये हो गया पी, हो गया ये क्या बी, ये हो गया आपका क्या एच। तो एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यदि पी और एच का रिलेशन कौन शो करता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, पी बाय एच, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय क्या होता है एच, तो ये साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी बाय एच, ये पी बाय एच, तो पी का वैल्यू आपके पास क्या हो गया एबी, और एच का वैल्यू क्या हो गया एसी, भर दिए एक बार, फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और इक्वल साइन 30 डिग्री 1/2, और एबी का वैल्यू देखिए, एबी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास पी, एबी का वैल्यू पी, मतलब एबी ही रहने दीजिए इसको, और एसी का वैल्यू आपको पता है कौन सा 20 मीटर, हम लोग यहाँ भी 20 मीटर लिख चुके हैं, यहाँ क्या लिख देंगे 20। अब इसको क्या करिए, चक्रीय गुणन कर दिए, ए बी और 2 को गुणा कीजिएगा, तो ए बी इन गुना क्या होगा 2 बराबर क्या 20 हो गया। फिर क्या कीजिएगा आप, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे ये 2 गुना है, तो क्या होता है भाग काट दीजिएगा, 2 एक 2 2 0 0, तो ए बी बराबर आपका क्या हो गया 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या है ए बी, और यही ए बी क्या है खंभे की ऊंचाई है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर एबी बराबर क्या 10 मीटर। यहीं पर ये क्या कर दीजिएगा, ये आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ना बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन
कॉम्बाइन भी आप देख सकते हैं। तो सवाल क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। वहां पिछला क्वेश्चन में क्या था कि आपको चित्र दे दिया था, यहां पर आपको चित्र बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो मान लीजिए यहां से हम लोग हल शुरू करते हैं, हल शुरू करेंगे तो पेड़ तो लंबा होता है आपको पता ही है। हल शुरू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पेड़ बनाइए तो आधा क्या है टूटा हुआ है और ये आधा क्या है ठीक-ठाक है। तो जहां से टूटा है ना वहां से हम लोग रोटेट लाइन लेते हैं, बाकी बात को सीधा खींच देते हैं। तो ये रोटेट लाइन यहां से मान लीजिए पेड़ इतना लंबा था, ध्यान से देखिएगा नहीं समझ में आएगा कि मतलब यहां इतना लंबा पेड़ था, यहां से मान लीजिए टूट गया, टूट जाने से ऊपर वाला भाग ना जाके यहां जमीन पे क्या कर दिया, जमीन तक सट गया। तो ये इसका जो पाद बिंदु बोले तो ये वाला, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। ये पाद बिंदु से वो जो टूटा हुआ पेड़ की डाली पर हम जाते हैं तो यहाँ पर दोनों क्या करता है मिल जाता है। यदि इसका हम लोग नामकरण करें तो क्या बनेगा यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। तो ये पेड़ की डाली इतना ऊंचा था, यहाँ तक टहनी था चाहे इसका जो भी बोलिए, तो ये टूटने के बाद यहाँ जाकर सी तक पहुंच गया। और क्या बोलते हैं मुड़ जाता है कि ध्यान रखिए इसको, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस चीज को मार दीजिए, 30 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण हम लोग डाल दिए, 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या होता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये फिर 8 मीटर आपका इंपॉर्टेंट है। तो कहां से यहां से यहां की दूरी क्या है आपका 8 मीटर, ये आपका 8 मीटर है। कहां से एक बार फिर से पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहां देखिए मेरा देना की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, या 8 मीटर लिख दिए। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई ये और ये दोनों है। तो पेड़ की ऊंचाई में हम लोग AB प्लस क्या कर देंगे AC। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे आगे की ओर, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ आपको देखिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई दिया है, पेड़ की ऊंचाई बराबर आपका क्या होगा AB प्लस एसी, ये दिया हुआ है। और बीसी बराबर क्या करेंगे, या तो क्या पाद बिंदु की दूरी है ना, पेड़ के पाद बिंदु और शिखर की दूरी बराबर कितना है, दूरी बराबर बीसी, यहाँ लिख देंगे हम लोग बराबर बीसी, बराबर कितना हो गया 8 मीटर आया आपका, ये 8 मीटर आपका आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ठीक से लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बिंदु और ये 8 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई तो आपको क्या है, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस क्या है BC है। तो पेड़ की ऊंचाई लिखिए दीजिए एक बार, पेड़ की ऊंचाई, या तो नहीं लिखिएगा तो चलेगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर हुआ। तो ये आपको निर्भर करता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन मैं ऊपर ही लिख दिया हूं इसलिए इसको मैं क्या करता हूं नहीं लिखता हूं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में यहां पर ना दो मैथमेटिक्स बने, कैसे बनेगा देखिए आप, त्रिभुज ABC में यहां देखिए, ये इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, इस कोण में 30 डिग्री है, 30 डिग्री में आपको क्या-क्या दिख रहा है यहां पर, ये इसके सामने देखिएगा कि ये हो गया P, ये हो गया आपका B, B बराबर दे दिया, और ये हो गया आपका H, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज लंब अर्थात अब क्या कर्व। तो यहां से आप देखते हैं तो यहां पर क्या है, यहां से आप देखिएगा तो किसके किसके बीच में बन रहा है, तो यहां पर आपका क्या बोलते हैं P by BB बन रहा है और B by H। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, तो आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ऐसा कीजिए आप कि यहां से सामने वाला P by B ले लेते हैं पहले, तो P by B इसका सिंबल है tan थीटा,
टेन थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी मतलब लंब बटे आधार, तो इसी को लेते हैं। तो टेन थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना डिग्री है, टेन थीटा मतलब टेन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी। तो पी आपका क्या है, पी क्या है ए बी, तो लिख देंगे हम लोग ए बी, और बी क्या है हमारा 8 मीटर जो दिया हुआ है 8 मीटर, तो उसको अभी हम लोग 8 मीटर नहीं भरते हैं, ये बीसी भर देते हैं आपको समझने के लिए। अब टेन 30 डिग्री का आपको क्या जानना है, वैल्यू जानना है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना है, या तो आपको क्या करना है निकालने का फॉर्मूला सीखना है, तो निकालने वाला फॉर्मूला यदि जानते हैं अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि टेन 30 का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√3, इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB का वैल्यू पता नहीं है, यही हमको निकालना है AB बटे BC का वैल्यू, तो क्या है 8, इसको गुणा कर दीजिए आप चक्रीय गुणन जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा AB इनटू √3 बराबर क्या 8 × 8, तो AB बराबर आपके पास क्या होगा 8/√3, इतना मीटर यहां पर आ जाएगा, किसका AB की ऊंचाई। अब बात रही कि हम लोग ना किसका वैल्यू निकालेंगे, अब AC भी तो चाहिए हमको, तो AC किसे देखें, या तो आपको क्या बोलते हैं इसे और इसे देखिए, या तो इसे और इसे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना रूट वाला बटे वाला है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ रिलेशन देखेंगे, तो क्या करेंगे कि फिर कोण, या तो कोण 30 डिग्री, या तो किसके लिए यहाँ पर बी बाई एच हो रहा है, तो ये बी बाई एच किसका देता है, बी बाई एच मतलब कोस थीटा, तो cos थीटा, थीटा के साथ कितना डिग्री डाल दें 30 डिग्री, तो cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है b/h, और b का वैल्यू b/h मतलब b का वैल्यू क्या है bc, और आपका h का वैल्यू क्या हो जाएगा ac, यहां पर ac हम लोग भर दिए। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, वैल्यू पुट कर दिया बराबर, इसका वैल्यू जानना मस्ट है, यदि आप इसका वैल्यू नहीं जानिएगा तो फिर आपका मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, आप ऐसा नहीं करके इसका वैल्यू जानना है √3/2, अब √3/2 आ गया, अब वैल्यू पुट कीजिए BC का पता है ना 8, तो इसका डाल दीजिए आप यहां 8/AC का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो उसको AC ही रहने दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको पूरा कीजिए पहले AC गुना क्या हो गया √3/8 गुना क्या हो गया 16, तो AC बराबर आपको क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए 16/√3 मीटर। अब ये तो मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, हमको क्या चाहिए पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखे हैं हम लोग AB+AC, तो आते हैं इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या दे रहा है आपको AB+AC, तो ये बराबर को आप बराबर के नीचे ही लिखिएगा, चाहे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, देखिए इधर भी लिख सकते थे जगह है कोई बात नहीं, बराबर के नीचे बराबर आप लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो AB का वैल्यू कितना है 8/√3, तो मैं कर देता हूँ 8/√3, फिर प्लस AC का वैल्यू देखिए 16/√3, यहाँ पर 16/√3 में कर दिया, आप इसका क्या एलसीएम लेंगे √3/√3 का लसा कितना हो गया एलसीएम √3, आप यहां से हमें ऊपर को क्या कर दीजिएगा आप जोड़ दीजिएगा, तो 8 प्लस क्या होगा 16, यही हमारा क्या है रूल है इसका जोड़ का, फिर √3 लीजिए आप इसको जोड़िएगा तो 16/8 कितना हो गया 24, तो 24 हो गया, फिर क्या कीजिएगा आप ध्यान रखिए यहां पर 24/√3 है, तो यहां पर और थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे क्योंकि √3 को नीचे नहीं रखते हैं, तो क्या करें इसका नाम ऊपर नीचे √3 कर दें, इसको बोलते हैं हर का परिमितरण, जो 8 क्लास में है आप पढ़े होंगे, अब इसको हल कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा देखिए 24/√3 24 क्या हो गया 3/√3 3 आ गया, क्योंकि √3 क्या होगा 3 काट दीजिएगा 3 × 8 = 24, तो क्या होगा 8√3 मीटर, यही आपका क्या बनेगा आंसर, क्योंकि यही पर हम लोग लिख दिए ना पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका बन गया, उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना बनाएंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको, इसलिए चिंता ना करें। और मैं बोल रहा हूँ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो समझ में आया मैथमेटिक्स, तो आप मेरा वीडियो को जरूर
लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।